आज का दिन बेहद खास है। आज वो दिन है जब आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। हालांकि यह एक खगोलीय घटनाक्रम है, ऐसा नहीं है कि परछाई साथ छोड़ देती है, लेकिन आज एक समय एक निश्चित स्थान पर परछाई दिखती नहीं है। सरगुजा से कर्क रेखा गुजरती है और इस स्थान पर ऐसा होता है। क्या कारण है इस घटनाक्रम की जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम विज्ञानी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, ऐसी घटना सरगुजा में क्यों होती है। सर देखिए, जो पृथ्वी है ये पृथ्वी अंडाकार है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसमें जो काल्पनिक रेखाएं बनी हुई हैं भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। दक्षिण की तरफ दूसरी काल्पनिक रेखा है जिसको मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही सूर्य की स्थिति रहती है। आज वो दिन है जब सूर्य ठीक कर्क रेखा के ऊपर लंबवत है और पूरे मतलब गोलार्ध में, पूरे पृथ्वी के गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश जो उत्तर की काल्पनिक रेखा है सूर्य ठीक उसके ऊपर लंबवत होगी। और उसके चलते क्या होगा कि जब सूर्य ठीक लंबवत आएगी दोपहर के समय में, तो उस समय में क्या होगा कि जो वस्तु है उनकी जो परछाई होगी वो ठीक उसके नीचे बनेगी। अगर हम कोई पाइप को या कोई डंडे को खड़े कर दें तो उसकी परछाई हमको दिखेगी ही नहीं, इसके चलते हम इसको नो शैडो डे कहते हैं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि दिन काफ़ी बड़ा होता है, रात छोटी होती है, ये कैसे होता है? देखिए, आज सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत है, तो यहाँ पे सूर्य बिल्कुल उसकी किरणें लंबवत पड़ेंगी और यहाँ पर आज मतलब इस रेखा पर पूरे गोलार्ध पर लगभग 14 घंटे दिन की अवधि रहती है। और धीरे धीरे इसके बाद अब क्रमशः ये जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष भूमध्य रेखा की तरफ जानी शुरू हो जाएगी तो दिन की अवधि छोटी होनी शुरू होगी, रात की अवधि बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है कि कर्क रेखा पे आज पूरे साल का सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। ये अंबिकापुर में आज करीब 13 घंटे 33 मिनट की अवधि का दिन होगा और उसके विपरीत रात की अवधि जो होगी वो लगभग 10 घंटे के आसपास ही रह जाएगी। बिल्कुल, तो आज का जो दिन है वो दो अलग अलग घटनाओं को दर्शाता है। एक तो नो शैडो डे के रूप में इसे जाना जाता है क्योंकि वस्तुओं की, इंसान की परछाई सूर्य जो होता है वो सीधाई में हमारे सीधे ऊपर होता है और इस कारण से हमारी परछाई हमारे पैरों के नीचे बनती है और शैडो दिखता नहीं है। ऐसा ही घटनाक्रम यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से होकर के गुजरी है। इसके साथ ही आज का जो दिन है वो लगभग 13.5 घंटे से अधिक का होगा और रात छोटी होती है। इस तरह की घटना उत्तरी गोलार्ध में साल में एक बार देखने को मिलती है और इसे नो शैडो डे के रूप में जाना जाता है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।